फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड मामले में अब हरियाणा सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेगी। जी हां, ये बयान दिया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। अनिल विज का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो, इसको लेकर अब हरियाणा सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से करेगी, ताकि रोज इस मामले में तारीख लग सके और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके, जिससे निकिता के परिजन हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। क्या कुछ कहा अनिल विज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि निकिता हत्याकांड की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाई जाएगी, ताकि दिन प्रतिदिन सुनवाई हो सके और आरोपियों को शीघ्र अति शीघ्र सजा दी जा सके। हमने फरीदाबाद पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोर्ट में चलान जल्दी से जल्दी दाखिल करने की कोशिश करें। सर, क्या कारण है पुलिस जो है वो कार्रवाई भी कर रही है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन फिर भी लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, लोग आरोपियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और वो उनका अधिकार है करने का, अब सजा तो कोर्ट देगी। निकिता के हथियारों को जल्द सजा मिले, इसके लिए गृह मंत्री ने पुलिस को भी जल्द चलान पेश करने की हिदायत दी है। ये साफ है कि अगर ऐसे ही हत्या आरोपियों पर और जुर्म करने वालों पर सरकार कड़ा कदम उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा से अपराधियों का नामो निशान मिट जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अंबाला से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे।